मन्निया मैं रेट तेरे हाई करते हस दिया कर हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मुकेश और आज हम बात करने वाले हैं BNF के बारे में। दोस्तों आपने थंबनेल तो देखा होगा, दोस्तों मैं ऐसे ही स्टेशन बनाने के लिए आपको मैं सिखाने वाला हूं। दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों ने फेन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर लेना। ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को बस यहाँ पे प्लस वाले अकाउंट मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगा। आप लोगों को जो वीडियो एडिट करना है वही वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। मैंने कहा ये वाली वीडियो को ऐड कर लिया है। फिर इस वीडियो के लास्ट में जाके यहाँ पे जो ब्लैक वाली ये लेयर मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है। डिलीट हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करने हैं, नीचे ऐसे स्क्रॉल कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बीजी का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली बीजी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर कैसे यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, सिंपली इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को टिक मार्क पे टिक कर देना है। और कैसे ऐसे फोटो के ऊपर फिंगर रख के ऐसे नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद कैसे बैकग्राउंड का फोटो ब्लर हो जाएगा। आप बस फिर से बीजी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को ब्लर को एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ इतना सा रख लेता हूँ, मैंने 50% ही रख लिया है। आप लोगों के हिसाब से रख सकते हो। फिर गाइस यहाँ पे जो ये थर्ड नंबर पे ये ऑप्शन है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैंने एक स्नो इफेक्ट का वीडियो डाउनलोड करके रखा है। आप लोगों को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। मैंने गाइस इसको ऐड कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे नीचे जो फिल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक हो जाने के बाद गाइस फिर से स्क्रॉल करके यहाँ पे आप लोगों को ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ये वाली गाइस। सिंपली ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को स्किन का ऑप्शन मिलेगा, स्किन पे टैप कर देना है। फिर गाइस स्टिक मार्क पे टिक कर देना है। अब गाइस फिर से ये थर्ड नंबर पे क्लिक करके वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करके आप लोगों को मैंने एक ग्रीन स्किन का फोटो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। फिर गाइस यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐसे गाइस इसको मिडिल पे रख लेना है। मिडिल पे रख लेने के बाद गाइस इसको टू फिंगर से ऐसे स्क्रॉल करके बड़ा कर सकते हो। आप लोग जितने मर्जी उतने ही रख लेना, मैंने इतना ही रख लेता हूँ। रख लेने के बाद गाइस इसका वीडियो का ड्यूरेशन को ऐसे एरो पे क्लिक करके ऐसे स्लाइड करके इसको फुल वीडियो में दे दूँगा। दे देने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे और कुछ कम नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे ये वाली वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो सेव हो जाने के बाद गाइस फिर से प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। फिर गाइस आप लोगों को पहले जो वीडियो यहाँ पे ऐड किया था वही वीडियो को यहाँ पर फिर से ऐड कर लेना है। मैंने गाइस ऐड कर लेते हो, मैंने गाइस ऐड कर लिए है। फिर गाइस वीडियो के लास्ट में जाके ये ब्लैक लेयर को डिलीट कर लेना है। डिलीट कर लेने के बाद थर्ड नंबर पे क्लिक करके वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करके अभी जो हमने वीडियो सेव किया है वही वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। मैंने गाइस वीडियो को ऐड कर लिया है। फिर गाइस यहाँ पे नीचे एक फिल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर गाइस ये वीडियो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा क्रोमा का ऑप्शन, ये वाली गाइस। क्रोमा के ऊपर क्लिक कर देना है। इंस्टेंसी को मैंने यहाँ पे 20 तक रख लेता हूँ। फिर गाइस आप लोग देख लीजिए हमारे वीडियो एडिटिंग का काम हो ही चुका है। आप लोगों को एक बार प्ले करके दिखा देती हूँ। आप गाइस यहाँ पे इमोजी लगाना चाहते हो तो सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे जो दो नंबर पे ये वाले ऑप्शन है टेक्स्ट का, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करके ऐड ए हिडन पे क्लिक करना है। फिर गाइस यहाँ पे जो इमोजी का ऑप्शन है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों की मर्जी से यहाँ पे इमोजी सेट कर सकते हो। मैंने गाइस ये वाली ये तीन इमोजी को सेट कर लिया है। सेट कर लेने के बाद गाइस इसको भी पूरी वीडियो में डाल देता हूँ। डाल देने के बाद गाइस इसको एडजस्ट करना है, ऐसे फिंगर से स्क्रॉल करके ऊपर तक ले जाना है और गाइस थोड़ा सा सोता कर देना है। देखिए गाइस हमारा इमोजी भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर गाइस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा एडजस्ट का ऑप्शन, सिंपली एडजस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सबको प्लस कर देना है थोड़ा थोड़ा सा। मैंने एक्सपोजर को इतना ही रख लेता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा प्लस कर लेता हूँ, ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा, वाइब्रेंस को भी थोड़ा सा, ऐसे सबको थोड़ा थोड़ा से प्लस कर देना है। थिकनेस को भी थोड़ा सा कर देता हूँ, थिकनेस को मैंने इतनी ही रख दिया है। और शार्पनर को भी थोड़ा सा यहाँ पे
रख देता हूँ। फिर कैसे हमारी वीडियो जरा पे ऐड हो जाएगा। हाँ गैस, हमारा वीडियो एडिटिंग का काम हो चुका है। अब गैस इसको सेव करने के लिए सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और गैस इसको वीडियो को सेव कर लेना है। गैस हमारा वीडियो एडिटिंग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।